मतलब बेसिकली मुझे भूत नहीं बनाने वाला है। अरे नहीं Can you believe it? इसने ये मेरा हाल किया था। हेलो हेलो नेहा जी बोल रही हैं। मैम आज आजकल आपको बहुत हमने बाहर देखा है बाहर आवारागर्दी करते हुए। सेल्फ आइसोलेशन में मैं इतनी बोर हो गई हूँ कि मैंने सोचा सेल्फ आइसोलेशन को लेके चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब आप सोचोगे कैसे, तो टाइटल पढ़ के आपको समझ आ ही गया होगा कि आई एम गोना लिव इन माय बाथरूम फॉर 24 आवर्स टुडे। तो खाना पीना रहना होगा बाथरूम में, बिकॉज बैठे बैठे बोर हुए करना है कुछ काम, चलो करे सेल्फ आइसोलेशन बाथरूम के अंदर। यार मेरे दिमाग में मैंने काफी अच्छा राइम करा था बट अभी बोला तो अच्छा नहीं लगा। एनीवे गाइस, मैं सारा सामान लेके मूव इन करने वाली हूँ अपने बाथरूम में, उसे सेटअप करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट, बिकॉज मुझे चाहिए गर्ली सुपर ब्यूटीफुल सा बाथरूम जहाँ पे मैं 24 आवर्स स्पेंड कर सकूँ। और हम खेलने वाले हैं कुछ गेम्स, हम करने वाले हैं प्रैंक्स और बहुत ही सारा फन। 500K हो गए गाइस, कांग्रेचुलेशंस। ये तो अभी हमें वॉन्डरलस्ट आपको लेके जाना है 1 मिलियन पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड घंटी बजा दो। तो चलो चलते हैं बाथरूम में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 9 o'clock in the morning मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया शूट करनी, एंड पहले मैंने बेडिंग का सेटअप जो था वो इस साइड किया था। आई कांट रियली ओपन द डोर अगर मैं इसका बेड का सेटअप इस साइड करती हूँ। यहाँ मैंने अपने पिक्चर्स लगा दी है, यहाँ पे मेरी कॉफी वाला ये लगा दिया है मैंने बोर्ड, एंड देन आई हैव माय प्लांटो एंड माय कैंडल्स हियर। तो आई थिंक ये काफी अच्छा लगने वाला है एंड मुझे अभी तक तो काफी सुंदर लग रहा है सेटअप, बट आई जस्ट होप कि मैं यहाँ पे 24 आवर्स स्पेंड कर पाऊँ। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। इतनी मेहनत प्रेरणा, वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बाथरूम का नक्शा ही चेंज कर दिया प्रेरणा, क्या करने लग गई अपने इतने ब्यूटीफुल सेटअप का? मैं ना इस सेटअप की वीडियोस और इमेजेस ले रही हूँ मेरे न्यू Realme 6 स्मार्टफोन पे। इसकी 64 मेगापिक्सल पॉडकास्ट कैपेबिलिटीज की वजह से इसकी जो पिक्चर्स और वीडियोस आती है एकदम DSLR लेवल की आती है। मेहनत करी है तो थोड़ा सा इसकी पिक्चर्स लेनी तो बनती है। कितने विविड कलर्स आ रहे हैं इस फोन में, है ना। सो फाइनली मैंने पूरा सेटअप कर दिया है एंड आज मैं रहने वाली हूँ अपने बाथरूम में फॉर 24 आवर्स। बट मैं सोच रही हूँ स्टार्ट कैसे करूँ। पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फ्रेश फ्रूट्स काटे हुए अपने लिए और साथ में ग्लास ऑफ जूस फ्रीजर में रखा है, प्लीज ला दो। Here comes breakfast for you, Prerna. Oh wow, thank you so much. And बहुत weird लग रहा है बाथरूम में ब्रेकफास्ट करने, मतलब sorry यार, it's very weird. But मैं काफी डिस्टेंस पे हूँ एंड मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। क्वारंटीन का टाइम है, घर बैठे बैठे एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, तो फ्रूट्स वगैरह खाना इज अ हेल्दियर ऑप्शन, तो मैंने इसलिए आज ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाए हैं। मोरओवर कैंडल्स वगैरह सब अभी मैं लाइट अप करने वाली हूँ ताकि अरोमा अच्छा हो जाए यहाँ का एंड मुझे फील ना हो कि बाथरूम है। ये लीजिए माय प्रिंसेस, आपका जूस आ गया है। थैंक यू। ओके A few moments later. तो गाइस अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड हर्ष भी चला गया थोड़ी देर चिल करने के लिए रूम में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक थोड़ी देर लैपटॉप पे चिल कर लेती हूँ, वीडियो कंपाइल कर लेती हूँ एंड वीडियो कंपाइल करने के बाद आई एम गोना मेक सम टिकटॉक वीडियोस ऑन माय न्यू Realme 6 स्मार्टफोन विच इज पावर्ड बाय MediaTek Helio G90T चिपसेट, बिकॉज यू नो इसका ये जो सिंगल पंच होल डिजाइन है इट्स ऑसम एंड जो इसकी स्क्रीन है उस पर टिकटॉक वीडियोज बनाने में बहुत मजा आता है। आई थिंक आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद माय न्यू फोन। मैंने सोचा नहीं था बाथरूम में मैं इतना कंफर्टेबल हो जाऊंगी, बट काफी जल्दी मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ। आप लोगों को इस क्वारंटीन टाइम में, सेल्फ आइसोलेशन के टाइम में कुछ वीडियोस दिखानी भी तो जरूरी है ताकि आपका भी एंटरटेनमेंट हो जाए गाइस। ओके गाइस, बहुत सारा काम कर लिया है और बहुत सारा फन भी कर लिया, वीडियो कंपाइल करने में बहुत मजा आया मुझे। hey, प्रेरणा क्या कर रही है? मैं टिकटॉक्स बना रही हूँ। पागल होगी, फोन छोड़ भी दे। पर मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ, कुछ करने को नहीं है, लैपटॉप पे भी काम कर लिया, क्या करूँ? मेरे पास ना तेरे लिए एक इंटरेस्टिंग सा चैलेंज है, करेगी? What? बताओ। मैं ब्लाइंड फोल्ड होके तेरा मेकअप करूंगा। ओके, आई डोंट माइंड, मेरा टाइम पास हो जाएगा। एकदम मस्त सी भूतनी बनाऊंगा तुझे। भूतनी? और क्या। फिर नहीं मैं कर रही। करना तो अच्छा मेकअप कर, इंटरेस्टिंग है, तेरा टाइम पास हो जाएगा, आजा। चल आजा, मैं कहां हूं, तू आ।
अंदर बाथरूम में। गाइस आ गया हूँ मैं प्रेरणा का मेकअप करने के लिए, मेरा भूत बनाने के लिए। बहुत मजा आएगा तुझे, बहुत मजा आएगा इसको। अच्छा लग रहा है बाथरूम में बैठना। अपना ही बाथरूम में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइज मैं अपना ब्लाइंड फोल्ड करने वाला हूँ और गाइज मुझे तो डर ही लग रहा है, पता नहीं क्या करने वाला है। कुछ नहीं आता है, मेकअप का एम भी नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब मुझे बता कहाँ से स्टार्ट, तेरा फेस कहाँ है पहले? मुझे अपने घर जाना है। तो पहले हर्ष मुझे लगाने वाला है फाउंडेशन, मेकअप आर्टिस्ट की तरह खोलना आता है ना। हर्ष हर्ष गिराना मत, ठीक है? जितना चाहिए उतना फिंगर पे लेना, थोड़ा सा बंद करके मेकअप करता है। बहुत सही। Oh God. Okay, brush. कौन सा ब्रश चाहिए आपको? फाउंडेशन कर दो, इसी से कर दो। Okay. किसी भी ब्रश से कर दो। Oh, no. झाड़ू नहीं लगाना फेस पे। Okay. Evenly, हर, evenly, हाँ. Evenly. हाँ, very good. Now you're doing good, good, good. लाइनर लगा दिया, बहुत प्यार कर दिया है, जो भी करना था मुझे सब पता है। आई थिंक आई एम डन। यू आर डन? यस, फाइनली वी आर वो डन। लेट्स सी द फाइनल मेकअप। यार तो बहुत गंदा मेकअप। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बहुत खौफनाक डकैत। लाइनर खराब हुआ है बस। इट्स ओके हर्ष, लाइनर खराब हुआ। यू डिड अ गुड जॉब। व्हाट? एंड आई थिंक अगले जन्म में मैं तुझे मेकअप आर्टिस्ट बनते हुए देख सकती हूँ। इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं, इससे दूर रहना। यार मैंने ये लाइनर खराब हो, मेरे भाई ने बहुत अच्छा मेकअप करा था, मैं उसको आज मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा हो गई है। यस, ये ले तेरा लंच आ गया, तेरी टेस्टी मैक्रोनी। मैक्रोनी, आई लव मैक्रोनी। प्रेरणा बहुत तेज है, ये जानबूझ के ऐसे चैलेंजेस करती है ताकि इसको खाना ना बनाना पड़े। ये बात तो बिल्कुल सही है। अंदर बैठ जाती है और मुझसे खाना बनवाती है। सोच मैं कहाँ पे बैठ के खा रही हूँ, मजा आ गया मैक्रोनी खा के। अमेजिंग लंच। आई थिंक मैं थोड़ी देर सो सकती हूँ या फिर कोई गेम खेल सकती हूँ। हर्ष ऊनो खेलना चाहता है? नहीं। क्यों, मैं क्या करूँ यहाँ बैठे बैठे यार? तो गाइज मैं काफी बोर हो रही हूँ और सोच रही हूँ कि एक प्रैंक कॉल करी जाए, कॉल करके किसी का टाइम पास करूँ और अपना भी टाइम पास कर लूँ। तो मैं अपनी सिस्टर को कॉल करती हूँ, शी इज माई कजिन एंड काफी टाइम से बात नहीं हुई है उससे। एंड ये मेरा नया फोन है, नई सिम है, तो उसको पता भी नहीं है कि मेरा नंबर क्या है। लेट मी ट्राई, आई जस्ट होप कि इसको मेरी आवाज पहचान में ना आ जाए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, नेहा जी बोल रही हैं? हाँ जी, आप कौन? अरे मैडम, मैं आपकी सोसाइटी के वेलफेयर एसोसिएशन से बोल रही हूँ। आजकल आपको बहुत हमने बाहर देखा है, बाहर आवारागर्दी करते हुए। नहीं मैडम, हम तो बाहर जाते ही नहीं। आज ही मैनेजर ने कंप्लेंट करी है सोसाइटी के कि आप बहुत बाहर घूम रही हैं। अगर आप बाहर निकली ना तो आपको तो होगा ही होगा, बाकी पूरी सोसाइटी में भी फैल जाएगा। अरे मैडम, बता तो रहे हैं कि आपके आपकी सोसाइटी के वेलफेयर एसोसिएशन से बोल रहे हैं। अच्छा, अपना नाम तो बताओ, कौन बोल रहे हो? अरे मैडम, नाम में क्या रखा है, आप बात में समझिए, दम है हमारी। नहीं, किसी ने आपको गलत खबर दी है। अरे मैडम, हमने खुद देखा है आपको घूमते हुए, आपको हमने रोज आवारा गर्दी करते हुए देखा है, दो चार चक्कर आप मार लेती हैं। गलत है मैडम जी, देखिए हम आपकी कंप्लेंट आगे करनी पड़ेगी फॉरवर्ड, अभी संभल जाइए आप। नहीं नहीं मैडम, माफ करो, लेकिन बताओ भैया, बोल कौन रही हो, ये तो बताओ। अरे हमने बोला ना मैडम जी, नाम में क्या रखा है, बात में
असर है हमारी बात में, असर समझिए। किसी ने आपको गलत खबर दे दी मैडम, हम तो बाहर निकलते ही नहीं, जाते ही नहीं कहीं भी। हम आपकी बहन बोल रहे हैं प्रेरणा। अरे हम बस आपको सतर्क करना चाह रहे थे दीदी जी कि आप बाहर ना निकलिए, क्योंकि आजकल आप सिचुएशन जानते ही है कैसी है। चलो मैं वीडियो बना रही थी, मैंने आपको कॉल किया। आई थिंक इतने सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनसे हमने टच अपना लूज कर दिया था, बिकॉज इतनी फास्ट लाइफ है, इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है। तो ये जो हमें एक सेबेटिकल पीरियड मिला है, लाइक हम लोगों ने चूज नहीं करा बट हमें मिला है, द मोस्ट ऑफ दिस टाइम आई थिंक ये ऐसा टाइम दोबारा फिर नहीं आने वाला। 21 days जो ये लॉकडाउन हुआ है, आई थिंक ये 21 days आप जितना इंजॉय कर सकते हो करो, घर पे बैठ के कनेक्ट विद योर फैमिली, और बाद में जब लॉकडाउन खत्म होगा गो ट्रैवल द वर्ल्ड, हैव फन, एंजॉय। एंड अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, आई नो आप लोग वेट कर रहे हो कि मैं उनका आंसर करूं। तो लेट्स टेक द क्वेश्चंस नाउ। ओके गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोना टेक इज बाय सोनिका दत्ता, एंड इन्होंने पूछा आपका एज क्या है। वेल आई एम नॉट गोना आंसर दैट, एज इज जस्ट अ नंबर। बड़े हो रहे तो क्या हुआ, दिल तो बच्चा है जी। एंड देन आपका फेवरेट सिनेमा, ऑफ कोर्स बॉलीवुड, एंड आपका फेवरेट सॉन्ग। आजकल मेरा फेवरेट सॉन्ग वैसे टाइम के साथ बदलता रहता है, और आजकल है बारी बाय बिलाल सईद एंड मोमीना, लवली सॉन्ग। महिमा कौशिक asks, who is your favorite TikToker? I think both my brothers make really nice TikToks. Yeah baby! वैसे फेवरेट, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट। फैक्ट्स ने पूछा आप कितने बजे सो के उठते हो, क्या आप लेजी हो? ओके, सो आई एम वेरी 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 लेजी। वेल कोई टाइम नहीं है फिक्स, जब मैं रात को लेट नाइट वीडियो एडिट करती हूँ तो मैं सुबह 12 बजे भी उठती हूँ, 1 बजे भी उठती हूँ, बट जिस दिन मैं एडिट नहीं कर रही होती उस दिन मैं 10 o'clock उठ जाती हूँ। हाँ 10:30 में उठ जाती हूँ। शिव कुमार सिंह asks, Who's the one YouTuber with whom you never want to make videos? ऐसा कोई YouTuber नहीं है जिसके साथ मैं videos नहीं बनाना चाहती, मैं सारे YouTubers के साथ काम करना चाहती हूँ। Yes. What's your fantasy? Fantasy तो बहुत सारी है, like my biggest fantasy would be to go to moon, और moon पे अपना घर बनाना would be my biggest fantasy. What? सुन मेरी बात, it's her choice. Have you ever eaten a pack of raw Maggi? No, I don't like raw Maggi at all. I know a lot of you do, but I don't like raw Maggi at all. Okay, so the next question is interesting. How do you deal with hatred? So all I want to say is, jo log hate karte, hate is such a strong emotion. Like, there has to be a reason to hate someone. First of all, agar aap mujhe hate karte bhi ho, to don't hate me. You can dislike me, but hatred is such a negative emotion. अपने आसपास negativity मत आने दो। वैसे ही we are living in such a day and age जहाँ पे negativity इतनी ज़्यादा है, so try and be positive, just spread love and try to be helpful to each other. And life is short, just make the most of it. और अब बहुत सारे ज्ञान की बातें हो गई हैं, मैं काफ़ी टाइम से बाथरूम में स्टक हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आई थिंक मैं हर्ष को बुला लेती हूँ। हर्ष, ओह यही बैठा हुआ है, आ जा फिर, सारे क्वेश्चन के आंसर सुन रहा है मेरे। नो इट इज नॉट, कम ऑन मैन, आज मेरे को आना पड़ा फाइनली इसकी बोरियत को खत्म करने के लिए। अब मैं खेलूंगा थोड़ी देर इसके बाद उनो, फिर इसका सोने का टाइम हो जाएगा। डिनर में तूने कुछ खाना है क्या खाई? तेरा दिमाग, वो तो रोज खाती है, आज बाथरूम में आराम से शांति से सो, कॉफी पीऊंगी, कोल्ड कॉफी। तो फाइनली अब हम उनो खेलने लगे हैं, और चीटिंग मत करियो तू बिल्कुल भी। आउट ऑफ 5 देखते हैं कौन ज्यादा जीतता है, बस 5 गेम खेलेंगे हम। चल ठीक है। टन टन गाइस, मेरे पत्ते देखो, मेरे को दिख रहे हैं यहां से रेड एंड ब्लूज दिख रहे हैं मुझे। गाइस मैं कार्ड देख लो, ये गेम खत्म होने का नाम ही ले लिया, तेरी बारी है। कार्ड बता, चीटिंग की लिमिट होती है वैसे। आई थिंक मैं पबजी खेल लेती हूँ अब।
जब से मेरे भाई ने मुझे पबजी सिखाई है मेरे को तो बहुत मजा आता है पबजी खेल के। फोन की परफॉर्मेंस इतनी एडवांस है, स्पेसिफिकली स्मार्टफोन जो है गेमिंग के लिए बना है। आप पबजी इंजॉय कर सकते हो बिल्कुल लैग फ्री डिस्प्ले पे, आप बिल्कुल आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि कोई कॉल आ रहा है या कुछ भी। 2 hours later, guys, it's around 1:30 and एकदम से बहुत तेज की आवाज आई, आई डोंट नो क्या, तो मैं उठी, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। लेट मी चेक, फोटोज हैं यहाँ पे, ये गिर गई हैं और मैं बहुत ज्यादा डर गई बिकॉज मुझे लगा कि कोई आया है अंदर। आई थिंक मैं जाके सोना चाहूंगी अपने बेड पे बिकॉज मुझे अब नींद नहीं आ रही यहाँ पे बिल्कुल भी। एंड जो भी है, आई थिंक वैसे भी मेरा चैलेंज फिनिश हो ही गया है ऑलमोस्ट, मतलब मिडनाइट से भी ऊपर हो गया है, 1:30 हो गया है। I'm going and sleeping on my bed now because seriously I don't wanna sleep here anymore and I hope you guys enjoyed watching this video. मुझे नींद ही नहीं आ रही यहाँ पे, I'm missing my bed, I think I need to sleep on my bed. अगर आपको मेरा effort अच्छा लगा हो, ये video अच्छी लगी हो तो don't forget to give it a thumbs up and please subscribe my channel. I love you all and comments में मुझे बता देना आपको और कौन सी videos देखनी है. Now I'll see you in the next video and I'll go sleep on my bed. Thanks for watching, I love you.